आज 2 अक्टूबर है, पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी बापू को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत को जोड़ने का रास्ता महात्मा गांधी ने ही दिखाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा, सत्य, अहिंसा और सौहार्द का रास्ता, भारत को जोड़ने का रास्ता महात्मा गांधी ने ही दिखाया था। बापू को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जो भारत जोड़ो यात्रा का ही है। भारत जोड़ो यात्रा, उसके पीछे सोच महात्मा गांधी जी की, और ये रास्ता महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान को दिया था। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम उन्होंने किया था। On one side, a brave man, humble man, simple man, but a man who believed in the future, who believed in India, propagated non-violence and searched for the truth. Gandhiji was forward-looking, modern, open-minded. Gandhiji faced the biggest force on the planet, a superpower, more powerful than the United States is today. And he faced it because he followed the truth and he was humble. बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी रणनीति बदल दी है और ये भी कह सकते हैं कि यह बड़ा राजनीतिक प्रयोग कर रही है। एक तरफ भाजपा दावा कर रही है कि वो सत्ता में बरकरार रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ हार के डर से उसने 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया है, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। जबकि लंबे समय तक एमपी में सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करने वाले कैलाश विजयवर्गीय पर बड़ा दांव खेला गया है। दूसरी सूची में बीजेपी ने सीएम पद के 1-2 नहीं बल्कि पूरे आधा दर्जन दावेदारों को उतार दिया है, लेकिन सीएम शिवराज का नाम इस सूची में भी गायब है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज ने बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। दरअसल सीएम सीहोर जिले के लाड़कुई में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों के लाभार्थियों से चर्चा कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि ऐसा भैया नहीं मिलेगा, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें याद आऊंगा। सीएम के इस बयान से साफ है कि शिवराज को भी समझ आ चुका है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने नहीं जा रही है, और अगर बीजेपी जीतेगी तो शिवराज की विदाई पक्की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कई सर्वे सामने आ चुके हैं। इन सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है, और एमपी में भाजपा डबल एंटी इनकम बैसी का सामना भी कर रही है। सूबे में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का ये बयान कई संकेत भी दे रहा है। हालांकि सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले ऐसा बयान क्यों दिया, इसे लेकर अटकलें भी तेज हो गई है। तो वहीं कांग्रेस के पास एक और मुद्दा बीजेपी को घेरने का मिल गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। रोज कोई न कोई दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ से जो भी रिपोर्ट आ रही है उससे बीजेपी हिली हुई है। तो वहीं बीजेपी की बढ़ती बेचैनी के बीच प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवासहीनों के आवास को जबरन रोक रखा है, उनको स्वीकृति नहीं दी जा रही थी। भाजपा की उसी गरीब विरोधी सोच के कारण भूपेश सरकार ने आवास न्याय योजना शुरू किया है। शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बार बार आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आवास की स्वीकृति दी जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों की मांग को नहीं माना। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दम पर गरीबों के लिए योजना शुरू की। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 2011 के सर्वे सूची के आधार पर हो रहा है। 10 साल में होने वाले जनगणना के कार्यक्रम होते तो अब प्रदेश के कई गरीबों का नाम आर्थिक सर्वेक्षण सूची में जुड़ता और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता। लेकिन भाजपा गरीब विरोधी है, इसलिए जनगणना नहीं करवाई गई है और गरीबों को आवास की योजना से वंचित रखा गया है। मोदी सरकार गरीबों के आवास योजना को बंद करना चाहती है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन केंद्र सरकार के पास फंड की कमी के चलते रद्द किया गया है। मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना बंद करने का षड्यंत्र रच रही है। प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 40% काम हुए हैं। मध्य प्रदेश में 30%, उत्तर प्रदेश में
स्थिति और भी ज्यादा खराब है। ऐसे में भाजपा नेता मोदी सरकार के नाकामी पर पर्दा डालने के लिए झूठे आरोप लगा रही हैं। लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो चुकी है। इन चुनौतियों से पार पाना मोदी सरकार के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। रविवार को रामलीला मैदान में ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला था। अब टीएमसी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल के लोग अपना हक पाने के लिए दिल्ली की जमीन पर आ गए हैं और हम मोदी सरकार को चुनौती देते हैं कि अगर वो हमें रोक सकती है तो रोक ले। तृणमूल कांग्रेस केंद्र के बंगाल सरकार को मनरेगा आवास योजना चलाने के लिए फंड देने से इनकार करने पर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो दिल्ली की धरती से केंद्र सरकार को चुनौती देने के लिए आए हैं। खबरों के मुताबिक तृणमूल ने दिल्ली धरना के लिए व्यापक आयोजन किया है। 49 बसों में सवार होकर तृणमूल कांग्रेस समर्थक दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं पार्टी के सांसद और ममता बनर्जी सरकार के मंत्री राजघाट पर धरने पर बैठे हैं। पार्टी के इस प्रदर्शन के बारे में तृणमूल पदाधिकारियों ने कहा है कि गांधी जयंती के अगले दिन मनरेगा कार्ड धारकों की एक शांतिपूर्ण रैली निकाली जाएगी और सभी कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। वहीं अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता से दिल्ली रवाना होने से पहले कहा था कि मोदी सरकार जब तक बंगाल के लोगों का वाजिब बकाया जारी नहीं करती, तृणमूल का आंदोलन जारी रहेगा। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि केंद्र ने राज्य सरकार का दिसंबर 2022 में सत्यापित लाभार्थियों की सूची भेजने के बावजूद अभी तक उनका बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों की धनराशि रोकने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन उसके बहाने गरीबों का पैसा ना मारे। टीएमसी के इस धरना प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश से सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही है और इसका खामियाजा बीजेपी को चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस आपके लिए क्या गारंटी दे रही है, क्या कह रही है, क्या करना चाहती है। मैंने युवाओं की बात की, देखिए एक देश एक प्रदेश के लिए युवाओं से ज़्यादा ज़रूरी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आपके भविष्य मजबूत होंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमने तय किया है और ये मैं यहाँ इस मंच पे खड़े होकर आपको गारंटी दे रही हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उनको जाना पड़ा, उन्होंने कहा था अभी आपके सामने कि उनकी सरकार बनी और जो वचन उन्होंने चुनाव में किया था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, वो 3 घंटों के अंदर अंदर सरकार बनने के बाद वो वचन उन्होंने पूरा करना शुरू किया। आज यहाँ पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहले मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियाँ हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियाँ मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं उनको अपना हक मिलेगा, क्योंकि ये उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनसे छीना गया है। यहाँ पे तमाम युवा हैं, पिछले 5 सालों में नौकरी आपको मिली नहीं, रोजगार आपको मिला नहीं, लेकिन मेरे सुनने में आया है कि यहाँ पे ड्रग्स बहुत फैले हैं। एक ड्रग पॉलिसी बनेगी और डी एडिक्शन सेंटर हर जगह लगवाए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पिछले दिनों हमने सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से मुलाकात की, इसके साथ ही केंद्र और राज्य की केंद्र एजेंसियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इसके बाद डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए हर वोटिंग बूथ पर
अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि इलेक्शन कमीशन शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रलोभन मुक्त चुनाव मतदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जरूर आएं। हमारी कोशिश है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं और नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज मीडिया से मुखातिब हुए और कहा, इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग वोट फ्रॉम होम की सुविधा देने जा रहा है, जिससे मतदाता बिना पोलिंग बूथ पर आए वोट दे सकते हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए ये सुविधा लागू की गई है। खबरों के मुताबिक राज्य में ऐसे वोटर्स की संख्या 11.08 लाख है। इसके अलावा राजस्थान में 100 से ज्यादा की उम्र वालों की संख्या करीब 18,400 है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मतदाताओं को फॉर्म 12D भरना होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 5 दिनों के अंदर इस फॉर्म को भरना होगा। इसी के साथ फिजिकल डिसेबिलिटी वाले मतदाता भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 5 अक्टूबर तक फाइनल मतदाताओं की सूची जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा सी विगिल ऐप बनाई गई है, जिसमें कुछ भी बूथ पर हो रहा हो उसकी फोटो क्लिक करके भेजना है और उसके बाद 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। 5 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा।